छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार शहरी क्षेत्र में सालों से काबिज लोगों को आवासीय पट्टा देने जा रही है। इसका फायदा प्रदेश के 1,40,000 परिवारों को मिलेगा और ये लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो 19 नवंबर 2018 से पहले 10 सालों से शहर के शासकीय नजूल भूमि या फिर निकाय भूमि पर काबिज है। सरकार ऐसे परिवारों को 30 साल के लिए पट्टा दे रही है। ये खबर गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी है। ये खबर गरीब परिवारों के लिए शहर में मकान की चिंता से मुक्त कर देने वाली है, क्योंकि खबर शहरी क्षेत्रों में आवासहीन लोगों को पट्टा देने की है। भूपेश सरकार शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को आवास पट्टा देने जा रही है। जल्द ही सर्वे का काम पूरा होने के बाद पट्टा वितरण कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 19 नवंबर 2018 के पूर्व शहरी क्षेत्र के लगभग 1,39,730 ऐसे परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें उन परिवारों को पट्टा वितरित किया जाएगा जो कि शासकीय भूमि, नजूल भूमि अथवा निकाय की भूमि पर अतिक्रमण कर कच्चे, अधपके, पक्के घर बनाकर बीते 10 वर्षों से निवास कर रहे हैं। सरकार ऐसे परिवारों को जमीन का मालिकाना हक 30 वर्ष के लिए पट्टे के रूप में देगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1984 से लेकर 2003 तक सरकारों द्वारा जिन पट्टों का वितरण किया गया है एवं उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, ऐसे पट्टों का भी नवीनीकरण कर नवीन पट्टे वितरित किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम निर्णय हुए हैं। नगरीय निकाय क्षेत्रों में भूमि संबंधी जिनको भू आवंटन की बात कही गई है, उनके संबंध में भी एक निश्चित राशि जो न्यून होगी उस पे उनको स्थायी पट्टा उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही उस भूमि से अतिरिक्त यदि लोगों के पास भूमि है तो उसको कैसे सेटल किया जाए उसके लिए 100% सर्वेक्षण कराया जाएगा। सरकार के इस फैसले से शहरी क्षेत्र में कच्चे मकानों में या झुग्गी बस्तियों में वर्षों से रहने वाले परिवार बेहद खुश हैं। सरकार के इस फैसले का सभी ने खुलकर दिल से स्वागत किया है। यहाँ पर क्या है, अपने पास जमीन था उससे पहले पट्टा ही था। भूपेश बघेल सरकार के आने के बाद एक पट्टा मिल गया। सरकार भी बहुत अच्छी है। क्या होता था, किसी की जमीन पट्टा नहीं था तो बहुत डर रहता था कि मेरा जमीन कहीं चला जाएगा ऐसा। अब भूपेश सरकार के आने के बाद पट्टा जैसा योजना दिया है बनवाने के लिए, बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। फिलहाल शहरी आवासीय क्षेत्रों में अभी पट्टा वितरण का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही सर्वे पूरा होते ही पात्र कब्जाधारी परिवारों को पट्टा मिलने लगेगा। वैसे सरकार न सिर्फ मकान के हिस्से की कब्जा देगी बल्कि मकान के अलावा उससे जुड़े हिस्से में अगर कब्जा है तो उसका 50% हिस्से का पट्टा देगी। फिलहाल अब शहरी कब्जेधारियों को इंतजार सर्वे के पूरा होने का है, जिसके बाद उन्हें शहरी आवासीय पट्टा मिलने लगेगा। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और आइए देखते कर्नाटक।